नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं राहिल सैयद आपके साथ। भारत की शान कहे जाने वाले नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में किए गए अपने प्रदर्शन को यहां पीछे छोड़ दिया। पेरिस ओलंपिक में नीरज ने 89.45 मीटर का जेवलिन थ्रो किया था, लेकिन लुसाने डायमंड लीग में उन्होंने आखिरी अटेम्प्ट में कमाल करते हुए 89.49 मीटर का भाला फेंका और वह यहाँ दूसरे नंबर पर रहे। ये सीजन में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। हालांकि उन्हें अपने बेस्ट थ्रो 89.94 मीटर को पीछे नहीं छोड़ पाने का मलाल ज़रूर होगा। पेरिस ओलंपिक से पहले से हर्निया से जूझ रहे नीरज चोपड़ा चार अटेम्प्ट तक चौथे नंबर पर थे, पांचवे के बाद तीसरे नंबर पर पहुंचे। लेकिन इस हरियाणवी छोरे ने आखिरी थ्रो कमाल का किया। उन्होंने जब जैवलिन थ्रो किया तो हर किसी की निगाहें उन पर टिकी हुई थी। सभी को पता है कि वह योद्धा हैं, ऐसे ही हार नहीं मानने वाले। ये साबित भी हुआ। उन्होंने जब जैवलिन थ्रो किया तो हाथ से छूटने के बाद भाला 89.49 मीटर दूर जाकर गिरा। इसके बाद उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वह चौथे नंबर से उछलकर दूसरे पर पहुंच गए थे। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने आखिरी थ्रो 90.61 मीटर का किया और वह पहले नंबर पर रहे। बता दें कि एंडरसन ओलंपिक में 88.54 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यहाँ उन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की। तीसरे नंबर पर जर्मनी के जूलियन वेबर रहे, जिन्होंने 87.08 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। इससे पहले नीरज का पहला थ्रो 82.10 मीटर का रहा। पहले अटेम्प्ट के बाद वह तीसरे स्थान पर रहे। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 86.36 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे, जबकि जर्मनी के जूलियन वेबर 85.07 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर। दूसरे राउंड में नीरज ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया और उन्होंने 83.21 मीटर का थ्रो किया, लेकिन ये टॉप पर पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं था। दूसरी ओर ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.49 मीटर का विशाल थ्रो कर शीर्ष पर अपनी बढ़त बनाए रखी। जर्मनी के जूलियन वेबर ने भी 87.08 मीटर के थ्रो के साथ उन्हें कड़ी टक्कर देने की कोशिश की, जबकि नीरज तीसरे राउंड में 83.13 मीटर का थ्रो कर सके। यहाँ यूक्रेन के आर्टूर फेलनर ने 83.38 मीटर के थ्रो करते हुए नीरज को चौथे नंबर पर धकेल दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खेल की जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए NBT स्पोर्ट्स के साथ।